बोर्ड जो है ये एक ऐसी संस्था है जो जितने भी रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं आर्मी से, नेवी से या एयरफोर्स से, उन सब का वेलफेयर के लिए रखा है आफ्टर रिटायरमेंट। तो जनरली ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिलीजुली संस्था है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से स्टार्ट हो जाते हैं लोग, और उसके बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड, फिर राज्य सैनिक बोर्ड। केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली में है, राज्य सैनिक बोर्ड स्टेट लेवल पे होता है, और राज्य सैनिक बोर्ड के नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड्स होते हैं। सो हम अभी श्रीनगर में बैठे हुए हैं, और श्रीनगर में जितने भी हमारे साथी हैं, श्रीनगर के नीचे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, बेसिकली सेंट्रल कश्मीर एज वेल एज साउथ कश्मीर। तो 7 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे रिटायर्ड फौजी हैं या बैटल कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनकी विडोज या उनके माता या पिता, नेक्स्ट ऑफ किन जो होते हैं, उन सबको हम देखते हैं। तो अगर हम वादी कश्मीर की बात करेंगे, ये सेंसस के ऊपर डिपेंड करता है। एक सैनिक बोर्ड को खोलने के लिए करीब 7,500 एक्सेस में चाहिए। रिटायरमेंट के बाद में इमीडिएटली ये हमारे पास रजिस्टर्ड होते हैं और इनके आई कार्ड्स दिए जाते हैं। इससे फ़ायदा, जो कुछ हमारे फ़ायदे होते हैं वो इसी से मिलते हैं हमें। हाँ जी, हम पेंशन आने के बाद हमें यहाँ आना पड़ता है, यहाँ हमारी रजिस्ट्रेशन होती है और यहाँ पे हमारा एक्समैन कार्ड दिया जाता है बना के, और उसके बाद जो भी हमारे घरेलू काम बच्चों का या अपना खुद का होता है वो यहीं से होता है।